हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त ईश्वर दास लेकर आया हूँ आज आपके लिए कहानी खास। मुझे उम्मीद है कि आप सुनोगे तो एंजॉय करोगे और समझ गए तो सुधर जाओगे। दोस्तों, ये कहानी है उन बेटों के लिए और ये कहानी है उन भाइयों के लिए जो हजारों किलोमीटर दूर अपने माँ बाप से रहते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी खुशियों का गला घोट कर अपने बेटों के हारे ख्वाहिश पूरी की। अपनी पत्नियों के लिए तो हजारों रुपए के 20-20 हज़ार रुपए के फ़ोन लेके अपनी पत्नियों को दे देते हैं, लेकिन अपने मुड़ी बाप आपके लिए 700 का नोके एक फ़ोन नहीं ले सकते। जैसे दोस्तों सुबह सूर्य उदय होता है तो पति अपनी पत्नी से बड़े प्यार के अंदाज से कहता है कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। तो पत्नी प्यार से नाश्ता बनाती है तो पति नाश्ता खा के ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन एक ज़रूरी कागज़ घर भूल जाता है। तो पति ऑफिस जाके अपनी पत्नी को कहता है फ़ोन करके, लेकिन अफसोस कि फ़ोन बिजी आ रहा होता है। तो पति को बहुत गुस्सा आता है। शाम को जैसे घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम किससे बातें कर रही थी। तो पत्नी कहती है कि मैं अपनी माँ से बातें कर रही थी। तो पति बहुत खुश होता है और कहता है कि सासू माँ ने और क्या कहा। सासू माँ ने कहा होगा कि मेरे जवाई राजा बहुत काम करता, थक जाता होगा, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस उस बेटे के मन में एक पल भी नहीं आया कि काश मेरी माँ का फ़ोन कभी आ गया होता। दोस्तों, एहसास होता है उन दोस्तों को जिनकी माँ नहीं होती, एहसास होता है उन दोस्तों को जिनकी माँ नहीं होती। जीवन में बस तकलीफें और धोखे, कहता है ये पल पल दिल मुझसे कि अब शाम नहीं होती। दोस्तों, अपनों का दर्द भी अजीब होता है, जब साथ होते हैं ना तो जी लड़ने को करता है और जब दूर चले जाते हैं तो कलेजा फट जाने को करता है। मैं भी थक गया हूँ सफ़र से ईश्वर दास, क्योंकि आज मेरा भी मन अपने माँ बाप से मिलने को करता है। दोस्तों, मैं दावे से कहता हूँ कि अपना हर गम हर शिकवा भुला के अपनों को बात करोगे तो शायद आपको उस रात नींद सुकून से आएगी, सुकून से, क्योंकि अपनों का प्यार भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये वीडियो आप कमेंट और लाइक करो, क्योंकि जो अपनों से प्यार करता है उसे लाइक और कमेंट करने की जरूरत नहीं, वो खुद समझ जाता है।